पहली बड़ी खबर कौन सी थी? मैं बहुत छोटे शहर रांची की रहने वाली हूँ, लोरेटो से मैंने वहाँ पढ़ाई की थी, उसके बाद मैं डीयू में आ गई और डीयू से मैंने बॉटनी ऑनर्स किया, फिर मास्टर्स इन सोशल वर्क किया दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से, फिर मैं बहुत लंबे वक्त तक एनजीओस के साथ जुड़ी रही, मैंने सुंदर नगरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में रीसेटलमेंट कॉलोनीज में बहुत सालों तक काम किया, मैंने चाइल्ड रेप विक्टिम्स के साथ बहुत सालों तक काम किया है, बहुत करीब से उनको देखा है, तो मुझे लगता है मेरी समझ और पकड़ वहाँ से बढ़ी थोड़ी। उसके बाद अचानक मैंने जामिया ज्वाइन किया और फिर मैंने आँखों देखी से शुरुआत की थी दूरदर्शन के एक प्रोग्राम, अगर आप लोगों को पता हो, उसके बाद जी न्यूज़ से होता हुआ सफ़र न्यूज़ 24 तक गया, फिर स्टार न्यूज़ और अब लंबे वक्त से आज तक मैं हूँ। पर यह बहुत दिलचस्प भी है टीवी को देखने के लिए, जो जिस पहले बायलाइन की बात हो रही है, कई लोगों को लगेगा कि टेलीविज़न एक्चुअली वहाँ से बिल्कुल पलट गया था, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो, जब मैं जी न्यूज़ में थी, हंसिएगा मत, प्रिंस गड्ढे में गिरा था और मैं कुरुक्षेत्र में थी, लगभग 24 घंटे 26 घंटे हम लोग वहाँ से लाइव कर रहे थे, पहले स्टूडियो से यहाँ से लाइव किया था, फिर कुरुक्षेत्र में जाकर, माने नहीं बिना ठीक ठाक निकाले निकाल के, तो वो पहली खबर ऐसी दिमाग में आती है जो बहुत बड़ी थी, लेकिन उसके बाद निर्भया से लेकर मुझे लगता है कि वो एक खबर ऐसी थी जिसने हम सभी को एक नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया, तो एक खबर जिसको कवर करने पर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है वो निर्भया कांड है। अब आपके सवाल। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको देखें या सुने? सुनिए। ये सवाल था कि तारीफ थी? ये बहुत दिलचस्प है, लेकिन पता है सौरभ, क्योंकि कई संपादक जो होते हैं उनसे आप बात कीजिएगा तो वो अपने, हम न्यूज़ रूम में पता नहीं आप लोग कितने लोग गए होंगे, बट न्यूज़ रूम में हर चैनल चल रहा होता है, हर चैनल चल रहा होता है, तो कम से कम 24 मॉनिटर होते हैं, अच्छा सारे संपादक म्यूट पे सुनते हैं, तो कोई अगर कहता है कि वो प्रोग्राम अच्छा था तुम्हारा, मैंने कहा सुना या देखा? सुना कीजिए, तब लगता है कि हम जो कह रहे हैं वो उसका फर्क पड़ रहा है। अगला सवाल जी, हाथ ऊपर करिए जिसको सवाल पूछना हो, वहाँ पीछे एक साथी हैं, जितने धारदार सवाल करने हो आप कर सकते हैं। हेलो मैम, ये 2000 के नोट के बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? अंजना, ये सवाल यहाँ पर जितने भी पत्रकार आए सबसे पूछा गया, आप भी नहीं बच पाई। मतलब क्या उसकी सेहत के बारे में बताना है, उसके रंग रूप के बारे में बताना है, वो क्या इशारा करता है ये समझाना है? जी हाँ, सब क्यों आया? आजकल तो वही मालदार है जिसके पास 100-100 का नोट है। अगला सवाल। हाँ जी। हेलो अंजना। हाय। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आप बिहार से भी हो जी और महिला हो, हाँ, आपको कभी डर नहीं लगा? बिल्कुल नहीं लगा, कहते हैं कि जब सब कुछ कमजोर होता है आसपास तो आप सबसे शक्तिशाली होते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और बहुत दिलचस्प है क्योंकि हम जैसे लोग जो शुरू में अखंड बिहार के हिस्सा थे, मेरे फादर आरा से हैं, मेरी माँ बिहार शरीफ से हैं, और फिर बाद में रांची में पढ़ाई हुई तो झारखंड के हो गए, पर अंदर से कहीं बिहारी हैं और हमेशा रहेंगे। आपके पास भी आएंगे, पहले इनको पूछ लेंगे। हेलो मैम। हाय डियर। आपको पता है मैं काफी टाइम से आपका वेट कर रही थी, आप ही के लिए ही आई हूँ। जर्नलिज्म फील्ड में आज जो भी लड़की जर्नलिस्ट कर रही है उनकी इंस्पिरेशन है आप, मेरी इंस्पिरेशन है आप। ओह गॉड, थैंक यू। इस फील्ड में जाना किसके लिए? अंजना मैम के लिए। आपके सामने खड़ा होना, एक पिक क्लिक करना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी मैं फंबल कर रही हूँ, आई डोंट नो, बट आपकी इंस्पिरेशन कौन थी इस फील्ड में आने से पहले? डोंट क्राई। कब? गॉड ब्लेस यू। आई लव यू, टेक केयर। आप सुनो, आपकी इंस्पिरेशन कौन था जर्नलिज्म में आने की? कोई इंस्पिरेशन नहीं है, बस बचपन से आग बहुत थी, हर बात परेशान करती है, हर मुद्दे पर अपनी राय रखती हूँ, हर किसी से लड़ पड़ती थी। अगर घर में बैठे कोई फूफा जी चाचा जी ये कह देते थे कि मेरे भाई के बारे में, कि इसके बारे में क्यों बोल रही हो, इससे क्यों लड़ रही हो, घी का लड्डू तो टेढ़ा भी भला है, उसी समय मन करता था ना कि कुछ उनको ऐसा जवाब दूं जिससे आगे कभी ऐसा ना बोले। वो
आग मुझे लगता है आपको, मतलब आपको कोई इंस्टेंट इंस्पिरेशन नहीं चाहिए, अगर आप खबरों से जुड़ेंगे, मुद्दों से जुड़ेंगे और अपने आसपास जो भी हो रहा है आंखें खुली रखेंगे और अंदर कहीं एक संवेदनशील व्यक्ति होगा जिसको लगेगा कि कतार में जो आखिरी व्यक्ति है उसके लिए सवाल का जरिया आप बन रहे हैं, अपने आप आग निकलती है और आपको वो खींचती चली जाती है। कोई और पूछना चाहता है? अंजना, सवाल बहुत है सबके पास लेकिन आपको अनुपम ये पता है, ये पता है क्या कर रहे हैं? अब हो गया है वक्त एक ब्रेक का, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, फिर कहाँ लौटते हैं, 10-20 सेकंड के लिए आते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। वन लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। हेलो मैम, मैं नवीन कुमार, मैं अंबेडकर नगर से हूँ, यूपी से, बट मैं भी मास कॉम कर रहा हूँ। यहाँ तक पहुँचने का आप पर रहस्य क्या है कि आपने आज तक चैनल में इतने बड़े एंकरिंग कर रही हैं, इसका मेन रहस्य क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि रहस्य जी मैम, क्योंकि मास काम का स्टूडेंट मैं भी हूँ मैम, इतने बड़े चैनल में पहुँचना भी मुझे नामुमकिन लगता है। कोई रहस्य नहीं है, बस एक ही रहस्य है, एक बार भी अगर मौका मिल जाए तो उस मौके को गंवाना मत, कुछ ऐसा करना कि आप, और ये मान लीजिए पत्रकारिता ऐसी चीज है, आपकी स्टोरी है, आपका स्क्रीन पर प्रेजेंस कुछ ऐसा हो जाए कि आपको कोई फिर नकार ही ना सके जीवन भर, और जो अच्छा दिख जाता है उसमें आप भी जब टीवी देखते होंगे तो आपको पता चल जाएगा ये बंदे में बात है, अगर वो आपने कर दिया पहले मौके में तो आपकी गाड़ी निकल पड़ी। जोरदार तालियां अंजना ओम कश्यप के लिए।